Good morning students, how are you all? I welcome you all in the video number 13 of class 6 SST, chapter number 3 of history. B1 में आप लोगों का बेटा ये वाला chapter complete हो गया है, so it is for your revision. And B2 के लिए chapter start नहीं हुआ था, so उन लोगों के लिए chapter start हो रहा है. So for starting this chapter, we have completed the two chapters of history. Now we are starting the third chapter, ancient civilization. मतलब बहुत ही ज्यादा पुरानी civilization के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. So please open your book so that we can continue reading. Yes, so this is your chapter 3, ancient civilization. इस basically इस chapter में हम लोग क्या पढ़ेंगे, Indus civilization पढ़ेंगे बच्चों, Harappa civilization पढ़ेंगे, downfall कैसे हुआ था और इसको rise कैसे मिला था, फिर इसके सारे causes, ये सारे topic wise हम लोग इस chapter को read out करेंगे. इंट्रोडक्शन. एज यू सॉ इन द लास्ट चैप्टर बाय 8000 बीसी, बीसी का मैंने फुल फॉर्म क्या बताया था, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मैनी पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग सेटल्ड इन स्मॉल विलेजेस एंड वर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स. पीपल नो लॉन्गर हैड टू स्पेंड द होल डे हंटिंग एंड गैदरिंग फूड. विथ बेटर मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा फूड देन रिक्वायर्ड फूड वॉज प्रोड्यूस्ड. सो पीपल कुड नाउ डिवोट मोर टाइम फॉर अदर्स एक्टिविटीज लाइक लेजर थिंकिंग. राइटिंग वॉज इन्वेंटेड, आर्ट फ्लरिश, ट्रेड ग्रू एंड द वेरियस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज चेंज्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस. ग्रेजुअली विलेजेस ग्रू इन टू टाउन्स एंड टाउन्स इन टू सिटीज. द फर्स्ट ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड वर बॉर्न. सो बेसिकली क्या है बेटा, आपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, लास्ट के चैप्टर में, कि 8000 ईयर्स पहले जो लोग विलेजेस में रहते थे, छोटे छोटे जगह पर सेटल्ड थे, उनको अब पूरे दिन ऐसा नहीं है कि वो एग्रीकल्चर में ही लगे रहें या हंटिंग करते रहें, डोमेस्टिकेशन करते रहें. अब उनको ज्यादा से ज्यादा समय आराम हंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो फूड प्रोड्यूसर बन गए थे, एक्स्ट्रा फूड को प्रोड्यूस करते थे, सरप्लस अमाउंट मतलब जितना उनको जरूरत होती थी उससे ज्यादा वो ग्रो कर लेते थे, जिसकी वजह से अब वो अपना काम, अपना टाइम अलग अलग एक्टिविटी में स्पेंड कर सकते, जैसे लेजर थिंकिंग. उस समय राइटिंग रिटर्न राइटिंग वॉज इन्वेंटेड, राइटिंग भी इन्वेंट हो चुकी थी, आर्ट फ्लरिश्ड हुआ था, ट्रेड हुआ था, अलग अलग टाइप की डिस्कवरीज हुई थी जिसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस की वजह से हुई थी. ग्रेजुअली फिर क्या, उसकी वजह से ना ह्यूमन्स का जो लाइफ थी दैट वॉज टोटली चेंज. जैसे कि जो टाउन्स थे वो सिटीज बन गए, सिटीज के अंदर काफी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन आ गई और जिसने इसको काफी सारी चीजों को चेंज किया. अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, आखिर सिविलाइजेशन है ही क्या. सो सिविलाइजेशन इज सेट टू अकर व्हेन अ सोसाइटी इज इन एडवांस स्टेट ऑफ सोशल डेवलपमेंट सच अ सोसाइटी वुड हैव. सिविलाइजेशन वो होती है जब सोसाइटी में बहुत एडवांस चेंजेस आए, और वो चेंजेस क्या होने चाहिए. पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज, पीपल होते हैं वो टाउन्स में रहे या फिर सिटीज में रहे. एंड एडवांस सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, एडवांस सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर होना चाहिए, उनके पास अलग अलग मेथड्स होने चाहिए. डिवीजन ऑफ लेबर विथ रूलर, वॉरियर्स, प्रीस्ट, फार्मर, कारपेंटर्स, पॉटर्स एंड सो ऑन. डिवीजन ऑफ लेबर्स होना चाहिए, वॉरियर्स कौन है, प्रीस्ट कौन है, फार्मर कौन है, कारपेंटर कौन है, पॉटर्स कौन है, ये सब. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स लीगल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड लिटरेसी और द नॉलेज ऑफ राइटिंग. और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, लीगल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, और लिटरेसी होनी चाहिए मतलब उन्हें नॉलेज होनी चाहिए लिखने की. सो ये सारे सिस्टम होंगे तो वो सोसाइटी एक एडवांस स्टेट की होगी और उसको हम सिविलाइजेशन बुला सकते हैं. व्हेनेवर एंड वेर एवर दीज कंडीशन वर फुलफिल्ड सिविलाइजेशन अरोज. द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड केम अप अराउंड 5000 बीसी इन रिवर वैलीज. दे वर फोर मेजर वैलीज सिविलाइजेशन. मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन केम बिटवीन द टिग्रिस एंड द यूफ्रेट्स रिवर. द इजिप्टियन सिविलाइजेशन इन द नाइल वैली एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑफ हुआंग हो एंड द इंडस सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस. दीज पार्ट्स ऑफ एंशियंट वर्ल्ड विटनेस द फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन. अब क्या हुआ कि अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती थी तो सिविलाइजेशन बनती थी. पुराने 5000 साल पहले क्या हुआ था, रिवर वैलीज में सबसे पहली बार सिविलाइजेशन आई. इन सिविलाइजेशन के भी चार डिविजन्स थे. मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन जिसमें टिग्रिस और यूरोफेट्स रिवर के बीच हुआ था. इजिप्टियन सिविलाइजेशन हुई थी नाइल वैली में. चाइनीज सिविलाइजेशन हुई थी बैंक ऑफ हुआंगहो में. और इंडस हुई थी कहां पे हुई थी, अपनी इंडस रिवर में हुई थी.
ये कुछ पार्ट्स एंशियंट वर्ल्ड के थे जिन्होंने ये फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन को देखा था और नोटिस किया था. देन दी इंडस सिविलाइजेशन. अब हम रीड करेंगे इंडस सिविलाइजेशन के बारे में. द इंडस सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर द इंडस रिवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन अबाउट 2500 BC टू 1500 BC. इट वॉज फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. इट वॉज नोन बाय फेमस सिटीज नेम हरप्पा सिविलाइजेशन एंड द मोहनजोदारो सिविलाइजेशन. इट वॉज फाउंड इन द मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड इंडिया. इन इंडिया द मेन स्टेट्स गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एंड द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एटसेट्रा आर द साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन. अब इंडस सिविलाइजेशन क्या होता है बेटा? इसको हमने डेवलप किया था इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में नियर अबाउट 2500 साल पहले से 1500 BC तक हमने इसको देखा था. ये हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी. इसको हम फेमस सिटीज के नाम से ही बुलाते हैं, जैसे हरप्पा सिविलाइजेशन हो गई, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन हो गई. अब ये हरप्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन सबसे पहली बार कहाँ देखी गई? मॉडर्न डे एंड पाकिस्तान में. इंडिया में भी पाकिस्तान एंड इंडिया में. इंडिया में कहाँ कहाँ देखा गया? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये सारी सिविलाइजेशन को उन्हें नोटिस किया. सोर्सेज ऑफ हरप्पन कल्चर. सोर्सेज ऑफ हरप्पन कल्चर के क्या क्या थे? राइटिंग हैज नॉट फिक्स्ड रेट सो फार. सो मेनली सोर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज एंड विच इंक्लूड रूइंस ऑफ एंशियंट सिटीज, बिल्डिंग, पॉटरी, सील्स, टूल्स, टॉयज, वेट्स एंड मेजर्स एटसेट्रा. हरप्पा कल्चर के कुछ सोर्सेज क्या थे? अभी तक राइटिंग कुछ भी नहीं था. उसके जो मेन सोर्सेज थे वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे, जिसमें से एंशियंट सिटीज के अंदर बिल्डिंग, पॉटरी, सील्स, टॉयज, टूल्स, वेट्स, ये सब क्या थे उसके सोर्सेज से? साइट्स ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन. लोथल कहाँ है? गुजरात. कालीबंगन राजस्थान. रोपर पंजाब. अली गिरनपुर यूपी एंड बनवली इन हरियाणा. ब्रेन बूस्टर. Nobody knew about this great civilization till 1921 and 1922 when great archaeologists R.B. Dayaram Saini and R.D. Banerjee came into know about this while excavating this site. अब क्या वो किसी को भी नहीं पता था 91 और 92 years तक, 1991 and 1921 से लेकर 1922 के बीच में किसी को भी इस बारे में नहीं पता चला. जो हमारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, मतलब R.B. Dayaram Saini and R.D. Banerjee, उन्होंने इसके बारे में एक्सिवेट किया साइट में और बताया. फीचर्स ऑफ हरप्पन कल्चर क्या थे? हरप्पन फीचर्स कल्चर के वो फीचर्स थे. हरप्पन कल्टीवेशन वर्स वेल प्लान्ड सिटीज. दे हैड बीन प्रूव ड्यूरिंग द एग्जीबिशन एट वेरियस साइट्स. जनरल लेआउट ऑफ हरप्पन सिटीज इज द सेम. अब हरप्पन सिविलाइजेशन थी जो वो बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड थी और उसने प्रूव किया था बाकी सारी एग्जीबिशन के टाइम में कि उसकी जो जनरल लेआउट थी वो सबकी सेम थी. नाउ फर्स्ट क्या है? टाउन प्लानिंग. टाउन प्लानिंग में क्या था? द हरप्पन कल्चर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग. दीज सिटीज कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इंटू टू पार्ट्स, सिटाइडल एंड द लोअर टाउन. अब वॉट हैपन की हरप्पन जो कल्चर था वो सबसे पहले उसको डिस्टिंग्विश किया सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग थी. सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग थी, इसके अंदर आपने दो टाइप में उनको डिवाइड किया, सिटाइडल एंड द लोअर टाउन. सो सिटाइडल क्या होता है? टू द वेस्ट ऑफ ईच सिटी वॉज द सिटाइडल. इट वॉज रेस्ड पार्ट ऑफ द सिटी फोर्टिफाइड बाय द सीरियंडेटेड वॉल्स. द सिटाइडल वॉज यूजली बेस्ड ऑन द माउंटेड ऑन द इवेलिएटेड पोजिशन. इट वॉज हाइट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड. सिटाइडल वॉज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर्स ऑफ रूलिंग क्लास. सिटाइडल होते थे कि जो एक सिटी का पार्ट था जो कि इवेलिएटेड पोजिशन थी, इसकी हाइट से उसको प्रोटेक्शन मिलती थी फ्लड्स वगैरह की वजह से. और वो सिटाइडल ज्यादा से ज्यादा रूलिंग क्लासेस के मेंबर्स के लिए होती थी. सिटाइडल के अंदर भी बेटा थ्री पार्ट्स आते हैं. ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ एंड द टाउन हॉल. ग्रेनरीज एट हरप्पा, टू रोज ऑफ सिक्स ग्रेनरीज ईच एज नोन एज ग्रेट ग्रेनरी. मतलब हरप्पा में दो रोज होती थी जिसमें छह ग्रेनरीज होती थी, उसको हमने नाम क्या दिया? ग्रेट ग्रेनरी. यूज टू स्टोर सरप्लस फूड ग्रेन्स वॉज डिस्कवर्ड. और उसमें हम क्या करते थे? एक्स्ट्रा फूड जो हमने प्रोड्यूस किया है सरप्लस फूड्स को हम उसके अंदर स्टोर करते थे. अ सिमिलर स्ट्रक्चर वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो. ऑल द ग्रेनरीज वर बिल्ट क्लोज टू द रिवर बैंक सो दैट द ग्रेन्स कुड बी इजिली ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ बोट्स. सर्कुलर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स फाउंड नियर द ग्रेनरीज वर यूज टू थ्रेश द स्टोर्ड ग्रेन्स. मेनी स्मॉल हाउसेज
found near the granaries may have been dwelling places of workers and the farmers. What happened? Granaries जो हरप्पा में बनी थी वो छह छह granaries each में थी, इसको हम ग्रेट ग्रैंडरी बोलते थे, और इसमें हम एक्स्ट्रा सरप्लस फूड को स्टोर करते थे. सेम चीज मोहनजोदारो में भी बनी थी, और वो अधिकतर जो भी इन्हें ग्रैनरीज बनाते थे वो हमेशा नदी के पास बनाते थे, बैंक ऑफ रिवर के पास बनाते थे. क्यों? ताकि जो उनका एक्स्ट्रा क्रॉप है या एक्स्ट्रा उनके ग्रेन्स हैं उसको इजीली वो अपनी बोट की मदद से अंदर ला सकें. सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म भी उन्होंने इन्वेंट किया, जिसमें छोटे छोटे स्मॉल हाउसेस थे जिसके अंदर ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ वर्कर्स, वो जो वहां पे फार्मर्स और वर्कर्स काम करते थे उन्होंने वहां रहना स्टार्ट कर दिया था. ग्रेट बात. सो इन द नेक्स्ट वीडियो, मीन्स वीडियो नंबर 14, वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द ग्रेट बात. Till now, stay at your home, stay safe. Thank you and have a nice day.